ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ में पीएम आवास योजना के मकान यानी कुटीर को बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद जिसके नाम से कुटीर आवंटित हुई थी उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसने किसी भी प्रकार की कुटीर को नहीं बेचा है। वह लॉकडाउन के चलते दूसरे गांव में था, इस वजह से उसके मकान का निर्माण नहीं हो सका, लेकिन आगामी दिनों में जैसे ही पैसे की व्यवस्था होती है वह तत्काल ही इस मकान का निर्माण पीएम आवास का निर्माण कराएगा। मैं तो रहते नहीं है थोड़ी मानक पर मैं अपना परेशानी की वजह से बीमार बीमार की मतलब ऐसी परेशानी समुदाय रहने लगे थोड़ी से। अच्छा अच्छा सर, उसके अनुसार ये हो गया थोड़ी सी के लेट बन रही हो। हाँ और उसमें कुछ नहीं है कहूँ तो बेची का कहूँ दाई। अच्छा मतलब बेची आपने नहीं बेची किसी को? नहीं बेची किसी को, मैं नाम से है हमारी है। तो अब आप जो अब अधूरा काम पड़ा है इसको पूरा करेंगे कैसा क्या करेंगे? पूरा करेंगे, दो साल से तो रह नहीं जाए जब कहूँ भी है हम कछु पैसा कर ले जब तो हुई है कछु वैसे ही नहीं हम पैसे वैसे में बीमार हुआ थे थोड़े से भी तो उसके अनुसार होता है ये काम। तो भैया अब जब हमें सबका सब कछु हुई हम मरवा रहे हैं मतलब अब काम चालू कर दोगे? हाँ हाँ। और अभी जो अधिकारी आए थे उनसे क्या बोला आपने? उन्होंने से भी यही बोला हमने। कौन कौन आ गया अभी अधिकारी? अभी तो सचिव आए थे उनके ऊपर भी साहब जो उनको नाम मेरे को मालूम नहीं है लेकिन हाँ तो बस तो उनसे क्या बोल दिया आपने? हमने बोले का काम चालू करवाएंगे।